हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेवेन्यू डेफिसिट के कॉन्सेप्ट स्टडी करे थे। तो आज मैं आपको रेवेन्यू डेफिसिट के नोट्स डिक्टेट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन उतार लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय revenue deficit? Question mark. What are its remedies and implication? रेमेडीज एंड implications। तो ये क्वेश्चन है, तो अभी मैं आपको इसके नोट्स डिक्टेट कर देता हूँ। इसका आंसर लिखेंगे हम। तो आप ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूँगा। सो लेट अस आंसर इट। सो फॉर दैट आई एम इरेजिंग। आंसर है इसका, सबसे पहले आप लोग रेवेन्यू डेफिसिट हेडिंग दे दीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट आप हेडिंग दे दीजिए। ओके, हेडिंग देने के बाद अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो आप लिख सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू दी एक्सेस ऑफ revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure of government. Excess of revenue expenditure of government over its revenue receipt, over its revenue receipts. Revenue receipts. I hope आपने ये उतार लिया होगा। इसकी डेफिनेशन उतारने के बाद आपको रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिखना है। तो मैं इसका फॉर्मूला भी उतार देता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप पूरी स्पेलिंग उतारिएगा, मैं तो शॉर्ट फॉर्म उतार रहा हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ये आपको यहाँ पे लिखना है, और इस फॉर्मूले को कैप्शन में, बॉक्स में डाल दीजिएगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। And after writing this formula, moreover, ये box बनाने के बाद आपको लिखना है, moreover, revenue deficit signifies that, government earning is insufficient. Revenue deficit signifies that government earning is insufficient to meet normal functioning of government department, to meet normal functioning of government department and provision of services। मतलब अगर revenue deficit occur हो रहा है, तो इसका मतलब ये है
सरकार अपने रोजाना के खर्चे भी नहीं पूरा कर पा रही। सरकारी ऑफिसेज और सरकारी डिपार्टमेंट को चलाने में जो खर्चे होते हैं, सरकार उन खर्चों को भी नहीं पूरा कर पा रही। अगर रेवेन्यू डेफिसिट अकर हो जाता है तो इसका ये मतलब है। तो मैं एक बार वापस बोलता हूँ, इट सिग्निफाइज डैट गवर्नमेंट अर्निंग इज इनसफिशियंट टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और नेक्स्ट लाइन में आप उतारिए, दिस डेफिसिट इज मेट आउट दिस, या पहले आप नहीं, आप हेडिंग दे दीजिए, हाउ इट इज मेट, हाउ इट इज मेट। इस ये डेफिसिट अगर अकर हो जाए तो इसकी भरपाई कहाँ से होती है। आप हेडिंग देने के बाद नीचे उतारिए, दिस डेफिसिट इज मेट आउट, दिस डेफिसिट इज मेट आउट ऑफ मेट आउट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट से ये डेफिसिट रिकवर करा जाता है। ओके अब इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग देनी है, डैट इज रेमेडीज, इनकी रेमेडीज क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, तीन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट शुड रेज टैक्सेस, गवर्नमेंट शुड रेज टैक्सेस ऑन रिच पीपल, अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। गवर्नमेंट शुड रेज टैक्स रेट ऑन रिच पीपल, ऑन रिच पीपल। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, इम्पोज न्यू टैक्सेस वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल हो सकता है उधर न्यू टैक्सेस चार्ज किए जाएं, इम्पोज न्यू टैक्सेस वेयर पॉसिबल। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज, गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, मैं स्पेलिंग उतार देता हूँ, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो ये तीन पॉइंट्स थे रेमेडीज में। रेमेडीज के बाद लास्ट जो हेडिंग है, डैट इज इम्प्लीकेशंस। तो इसमें मेजर दो इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट असेट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन उतरवा सकता हूँ। आप लिखिए, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स डिससेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, बिकॉज
गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप बिकॉज़ गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दी अनकवर्ड गैप. गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप अनकवर्ड गैप बाय डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स. बाय डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स फर्दर दिस विल रिड्यूस फर्दर दिस विल ऑल्सो रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकॉनमी. प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकॉनमी. तो ये थी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट की. एक पॉइंट और है, मैं वो भी लिखवा देता हूँ. सेकंड इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. इसके कारण इन्फ्लेशन आता है देश में. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप उतार लीजिए. मैं बोल देता हूँ सो आप उतारिए. सिंस बोरोड फंड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट सिंस बोरोड फंड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट आर जनरली यूज्ड टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच मे कॉज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकॉनमी. सो ये थे रेवेन्यू डेफिसिट के नोट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.